अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन चिल्ली। इसके लिए मैंने आधा किलो ये बोनलेस चिकन लिया है और ये वेजिटेबल डालेंगे इसमें। और इसमें अभी हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। इसमें हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और कुटी हुई काली मिर्ची, और इसमें विनीगर जाएगा एक चम्मच। विनीगर नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे, काली मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट दो चम्मच, कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं ऐसा, जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स कट करके रखते हैं। ये देखिए हमारी चिकन मैरिनेट अच्छे से हो चुकी है, 3 घंटे हो गए हैं और मैंने इधर ये वेजिटेबल्स सब काट लिए हैं। और एक पैन में मैंने ऑयल लिया है और अदरक और लहसुन बारीक चॉप कर लिया, इसमें डाल देंगे। दूसरी साइड हम चिकन फ्राई कर लेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं तो शैलो फ्राई ही करती हूँ, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो थोड़ा लाल करने के बाद इसमें जो है ना सॉस जाएंगे। ये मैंने एक चम्मच लिया है शेजवान सॉस है, और इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस जाएगा, 1 टेबलस्पून विनीगर है, 1 टेबल स्पून ये सोया सॉस है। सॉस को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें वेजिटेबल्स में डाल देंगे। हरी मिर्ची मैंने काटी है 4, वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। ये हमारी अच्छे से पक गई है, अब चिकन फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे। चिकन फ्राई हो गई है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये हमारी चिकन चिल्ली रेडी हो गई है, अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे, फिर डिश आउट करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।